पूरी घटना में सीसीटीवी देख लिए जाए, कोई भी मारपीट की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और उल्टे हमारे ही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है। इस बात को लेकर जिक्र भी किया और कहीं ना कहीं हमारे लिए अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया। उन्नाव पुलिस के साथ मारपीट के मामले में कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, आरोप है कि सांसद के समर्थकों ने पुलिस के काम में बाधा डाली और अपहरणकर्ताओं को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों से मारपीट भी की गई। इस मामले में सांसद के ऊपर आईपीसी की धारा 147, 148, 332, 353, 504, 506, 427, 225 के साथ 7 सीएलए में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्नाव की औरास पुलिस अपहरण के एक मामले में कन्नौज शहर कोतवाली क्षेत्र पहुंची थी। यहां कन्नौज पुलिस के साथ मिलकर उन्नाव पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे सुब्रत पाठक के समर्थकों ने अपहरणकर्ताओं को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस टीम ने विरोध किया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। कन्नौज शहर कोतवाली के चौकी प्रभारी मंडी की तहरीर पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक समेत 10 नामजद और 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि सांसद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर यूपी पुलिस और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि आज की ताजा खबर, पुलिस वालों ने की कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर। जनता पूछ रही है कब होंगे गिरफ्तार। इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छुप कर अपनी जान बचाए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर सुब्रत पाठक ने भी पलटवार किया। पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष सामने रखा और कहा, मुझे जानकारी मिली है कि कन्नौज पुलिस के द्वारा मेरे खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसको लेकर तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उसी पर मुझे अपनी चर्चा आप सबसे करना था। कल मेरी जानकारी में आया था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कन्नौज नगर के महामंत्री शिवेंद्र गुवाल पुत्र लालदिल, जो निवासी मोहल्ला जेरकिला थाना जनपद कन्नौज के हैं, ये बूढ़ी बीड़िया जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं, कल दिनांक 2/6/23 को रात्रि करीब 11 बजे अपने कार्यकर्ता समुद्र श्रीवास्तव जो कि सविता पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं को पुलिस द्वारा गलत तरीके से पकड़कर मारपीट करने की सूचना पर अपने साथी अवनीश बेरिया और पार्टी के कार्यकर्ता दीप शिखा पाल के साथ मंडी समिति पहुंचे, जहां दरोगा हाकिम सिंह व दरोगा तरुण भदौरिया, सिपाही सुभाष कुमार, सिपाही लवी खरी व 10-15 पुलिस वाले नाम पता अज्ञात ने समुद्र श्रीवास्तव के साथ मारपीट कर रहे थे। प्रार्थी व साथी अवनीश व दीपशिखा ने परिचय देते हुए मारपीट करने से मना किया तो एकाएक उक्त सभी गाली देने लगे तथा दरोगा हाकिम सिंह और व दरोगा तरुण भदौरिया जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि साले बिड़िया को सबक सिखा दो, इस महिला की इज्जत खराब कर दो। उक्त सभी गाली गलौज करते हुए बुरी तरीके से मारने पीटने लगे तथा दीपशिखा के साथ अभद्रता की, उसके कपड़े फाड़ते हुए अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की। जब प्रार्थी व अवनीश व दीपशिखा ने शोर मचाया तब हाकिम सिंह व तरुण ने अपनी सरकारी रिवाल्वर प्रार्थी के सीने में रख दी, कहा कि तुम लोग ज़्यादा शोर मचाओगे तो तुम लोगों को गोली मार देंगे और दीपशिखा के साथ बदतमीजी की। इसकी सूचना पर मैं व अन्य कार्यकर्ता वहां मौके पर पहुंचे, तब मैंने अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज से वार्ता कर उन सभी को छुड़वाया। उक्त मुलजिमों ने धमकी दी, अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो झूठे मुकदमों में जेल भेज देंगे। घटना में हम लोग कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। साथ ही साथ जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि पिछले दिनों चूँकि नगर निकाय के चुनाव में कन्नौज एसपी के द्वारा एक खुलेआम जिस प्रकार के जो बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मदद की थी वो संज्ञान में आया था और उसको लेकर तमाम प्रकार की शहर के लोगों के बीच में चर्चा भी थी, जिसकी शिकायत मैंने स्वयं मिलकर मुख्यमंत्री जी से की और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह से भी इसकी शिकायत की थी, तो जिसकी जानकारी शायद कन्नौज एसपी को हो गई थी और उसने कई जगह इस बात को लेकर जिक्र भी किया और कहीं ना कहीं हमारे लिए अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया, तो मुझे लगता है कि उसी से वो कुछ जो भी कारण रहा हो और ये मुकदमे में मेरा नाम घसीटा गया है जबकि वहाँ के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं कि सीसीटीवी लगे हुए हैं। पूरी घटना में सीसीटीवी देख लिए जाए, कोई भी मारपीट की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और उल्टे हमारे ही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है, और यदि कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में प्रताड़ित किया जाएगा तो निश्चित रूप से बर्दाश्त के योग्य नहीं है।
तो एक ओर अखिलेश यादव ने सांसद की गिरफ्तारी को लेकर मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर सांसद का कहना है कि सीसीटीवी खंगाल लिए जाएं, गलती उनके या उनके समर्थकों की नहीं है। वहीं अभी तक इस मामले पर पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।